नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनु और आप देख रहे हैं वर्ल्ड 360 विद मनु। आज का हमारा विषय है किसान आंदोलन, अगला कदम क्या, फार्मर्स प्रोटेस्ट व्हाट नेक्स्ट। स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं ए के मिश्रा जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। ए के मिश्रा जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मिश्रा जी के साथ ही हमें ज्वाइन किया है सौरभ द्विवेदी जी ने, जो जीवन और गाँव दोनों पर शोध करते हैं। सौरभ जी, आपका शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सौरभ जी के साथ ही हमारे जो तीसरे और अहम आज के गेस्ट हैं वो हैं अक्षांत सुलेरे जी, जो कि प्रदेश प्रभारी हैं भारतीय किसान यूनियन मध्य प्रदेश के, और उसके साथ ही प्रदेश महासचिव हैं भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश के। अक्षांत जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। 200 दिन से ज्यादा गुजर चुके हैं, ना किसान समझौते पर आना चाहते हैं, ना भारत सरकार समझौते पर आना चाहती है। भारत सरकार का कहना है कि जो किसान बिल आए हैं ये एग्री रिफॉर्म है, वही किसानों का कहना है कि ये काले कानून है। हमारा आज का जो शो है वो इसी पर निर्भर करता है, और मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि आने वाले वक्त में किसान आंदोलन की दिशा और दशा क्या होगी। अक्षांत जी, सबसे पहले मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी। मनोज जी, पहली बात आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। विभिन्न न्यूज चैनलों में और हर जगह मुझको इस किसान आंदोलन का पक्ष रखने का मौका मिला, और आपके बड़े मंच में मुझको बोलने का मौका मिला है। इसके लिए मैं पहले हमारे मित्र और आपका खास तौर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। किसान आंदोलन पर अगर चर्चा की जाए, हमेशा से इस आंदोलन को विभिन्न प्रकार से बदनाम करने की शुरू से कोशिश सरकार के द्वारा लगातार की जा रही थी, और सरकार ने उस कोरोना काल में जिस समय एक इमरजेंसी जैसा माहौल था, उस इमरजेंसी जैसे माहौल में ऐसी कौन सी इतनी तत्काल ऐसी एक इमरजेंसी आ गई थी कि आपने तत्काल प्रभाव से कोई चर्चा नहीं की किसी प्रकार की। हमेशा किसानों से संबंधित जब भी किसी प्रकार के बिल आते थे, इसके पहले एक प्री बजट सेशन करके या मतलब अलग किसान नेताओं के साथ हमेशा संवाद किया गया है, पूर्व की सरकारों के भी द्वारा किया गया है, और इन सरकार में भी कुछ ऐसे फैसले होते थे जिसमें किसान नेताओं से या संबंधित ऑर्गेनाइजेशन से एक बार चर्चा की जाती थी कि हम लोग ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, और सभी के सुझाव और सभी की बातें उस हर अग्रिम जो भी लोकसभा में ऐसा कुछ पारित होने वाला होता था, चर्चा होती थी, चाहे वो बजट के दौरान होती हो या XYZ कभी भी हो। लेकिन इस बार इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई है, ना ही इस प्रकार की किसी प्रकार का ना कुछ करते हैं जो सीधे व्यापारियों को, देश के कुछ ऐसे औद्योगिक लोगों को जिन लोगों ने चुनाव लड़ाने में कुछ ऐसी मदद की थी, उन लोगों को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने आनन फानन में कुछ बिल ला दिए। एक बार भी ये नहीं पूछने की आवश्यकता महसूस की गई कि क्या ये बिल आप लोग के क्या सुझाव और ये क्या बिल हम जो ला रहे हैं उससे क्या देश में किसानों के प्रति या किसानों को इस बिलों से क्या लाभ मिलेगा और किसानों का इस बिल को लेकर के क्या संदेश होगा। इस तरीके का किसी प्रकार का कोई उत्तर सरकार या किसी प्रकार का। दूसरी चीज, एक जो अहम बात है कि इस आंदोलन का दिशा आगे की तरफ क्या जाएगी, क्योंकि मनोज जी आपने मुझसे पूछा। अगर दिशा पर हम लोग आगे बात करते हैं, ये आंदोलन लोगों ने शुरुआत इसकी पंजाब से की, फिर उसके बाद हरियाणा के लोगों ने भी इसमें आया। इस तरीके से ये आंदोलन जब वहां पर लोग पंजाब में बैठे थे और वहां पर एक सरकार का एक छोटा सा नुमाइंदा, एक पटवारी तक नहीं गया वहां पर इस आंदोलन के बारे में चर्चा की जाए। सरकार के मिनिस्टर, सरकार के विधायक, सांसद, MP, MLA किसी की बात में छोड़ दो, सरकार का एक पटवारी तक वहां नहीं गया। उसके बाद चूंकि ये आंदोलन वहां से स्टार्ट क्यों हुआ, उस पर भी थोड़ा सा मैं आपका 1 मिनट प्रकाश डालना चाहूंगा, क्योंकि विषय बृहद है। अगर शुरुआत से इस पे चर्चा नहीं होगी तो हम क्लियर नहीं हो पाएंगे कि एक्चुअल क्लियरेंस कहाँ से आ रहा है। शुरुआत पंजाब से हुई, चूंकि आज भी जो भी चाहे नॉर्थ ईस्ट के लोग या उत्तर प्रदेश के या मध्य प्रदेश के रीजनेबल जो किसान हैं, आज भी वो लोग अत्याधुनिक कृषि, अत्याधुनिकता से बहुत दूर तक, काफी दूर तक लोगों को कोई सरोकार नहीं, केवल कृषि पर ध्यान देते। लेकिन पंजाब में एजुकेटेड लोग थे, जो लोग MSP को जानते थे, जो लोग इन बिलों में क्या है उनके बारे में जानते थे, वो तत्काल इस चीजों को जानने के बाद तत्काल आंदोलन हो गया। उस आंदोलनरत के बाद बगल का उनका भाई हरियाणा उस चीज को जाना, उसने भी उस आंदोलन का समर्थन किया। फिर धीरे धीरे पश्चिमी हमारे उत्तर प्रदेश के सबसे विकसित किसानों में से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान थे जिन्होंने उस कार्यक्रम का सहयोग किया। फिर यह आग पूरे देश में लग गई। इस प्रकार से पूरे देश में इन बिनों का विरोध होना शुरू हो गया। और अब लोगों ने इस चीज को भी कहा कि ये एंटी भाजपा लड़ाई लड़ रहे हैं या एंटी कांग्रेस या एंटी भाजपा ही मतलब कहा गया क्योंकि सरकार। लेकिन मेरा निवेदन इस चीज पर यही था, शुरुआत से जब भी मैं किसी भी चर्चा पर हुआ, चाहे मैं संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर के तले मुझे बोलने का मौका या मंच से मिला हो या किसी न्यूज चैनल के बैनर में मैंने बात की हो, तो मैंने कहा कि हमारी लड़ाई किसी भाजपा, कांग्रेस, बसपा, सपा या किसी राजनीतिक दल से नहीं है। जो भी सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति होगा उससे प्रश्न उठाए जाएंगे। पूर्व के समय भी उठाए गए हैं, इनके समय में आया है तो इनसे प्रश्न उठाया जा रहा है। उस आंदोलन को विभिन्न प्रकार से समय समय पर बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी, विभिन्न प्रकार से सरकार के द्वारा षड्यंत्र तैयार करके। और किसान आंदोलन को अपनी गति जो थी किसान आंदोलन की, उस गति को दूसरी दिशा में देने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा। और उसमें भी जब लोगों पर यह चर्चा की गई कि भाई जब पंजाब में उस आंदोलन, सॉरी मैं बीच में विशेष थोड़ा भटक गया था, जब आंदोलन वो पंजाब में प्रारंभ था, जब कोई वहां नहीं गए, तब पंजाब और हरियाणा के लोगों ने मिल करके उसको दिल्ली की तरफ कूच करने का काम किया गया। जब दिल्ली आने को बीच में रोका गया, जो जहां पर आया, फिर पूरे देश से किसान निकल पड़े और जो जहां पर जिनको रोक दिया गया वो वहीं पर आंदोलनरत तरीके से करने लगे। जी मिश्रा जी, मैं आपके तरफ आऊंगी। जिस तरह से अक्षांश ने कहा, शुरुआत में ही कहा कि किसान आंदोलन को पहली बात तो बदनाम करने की कोशिश की गई, दूसरी बात ये जो बिल आए हैं ये देश के उद्योगपतियों को फायदा देंगे। आपको क्या लगता है, क्या बिल में कहीं भी ये चीज मेंशन है कि देश के उद्योगपतियों को इससे फायदा होगा? कहीं भी कुछ मेंशन है इस तरह का? देखिये मैम, जो ड्राफ्ट है अगर आप उसको पढ़िए, मैंने बहुत सीरियसली उसको पढ़ा, और इस आंदोलन को, इस मुद्दे को समझने के लिए, देखिए ये आंदोलन या ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, सारी दुनिया इसको लेकर के पॉलिटिकल अप्रोच रखे हुए है। ये मुद्दा जो है बड़ा एग्री इकोनॉमिक्स का ये सब्जेक्ट है। अब मैं ऐसे लोगों को बोलूंगा जिनको एग्रीकल्चर और एग्री इकोनॉमिक्स की नॉलेज हो तो वो समझ सकते हैं। मैंने पूरे ड्राफ्ट को पढ़ा और मैं आपको बताता हूं, 2 पॉइंट ऐसे हैं। इसमें गलती बीजेपी की क्या हुई कि उन्होंने इसको भी पॉलिटिकल एक मुद्दे की तरह प्रेजेंट किया और विपक्ष ने भी या किसानों ने भी एक पॉलिटिकल जो है मुद्दे की तरह इसको उठाया। एग्री इकोनॉमिक्स तो गायब ही हो गई है। 70 सालों से किसानों की अगर हालत देखेंगे, ज्यादातर किसानों की हालत मार्जिनल यानी हाशिए पे है। ये बिल उन लोगों के लिए है ही नहीं जो जमींदार टाइप के किसान है, जैसे पंजाब में है, हरियाणा में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है या टिकैत साहब है। ये बिल उन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए है जिनको कि शायद उनके गांव वाले भी नहीं जानते होंगे। छोटे छोटे जो किसान है ये उनके लिए है। इसको लाने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर ड्राफ्ट को आप पढ़िए तो उसके पर्पज और ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर और विजडम फुल तरीके से वो लिखे गए हैं। और इतना जबरदस्त इकोनॉमिक बेनिफिट है कि हाशिए पे खड़े हुए किसान को, जिसको कुछ नहीं पता है, उसको भी बेनिफिट दिया जाए। 2 चीजें इसमें बड़ी ऑब्जेक्शनल हैं, मतलब एग्री इकोनॉमिक्स के हिसाब से नहीं, पॉलिटिशियंस के हिसाब से, जो इसके विरोध में है। मैं आपको बता दूं जो ड्राफ्ट में क्लियरली लिखा हुआ है उसमें यह है कि भाई किसी ने प्रोड्यूस पैदा किया, किसान कोई भी हो, वो कहीं पे भी बेच सकता है, इंटर स्टेट, अपने स्टेट, अपने जिले में, अपने गाँव में। वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन भी कर सकता है। इसमें एक चीज इन्होंने मना कर दी है कि किसी भी तरीके की खरीद और फरोख्त पे, यानी किसान के ऊपर और जो ट्रेडर है, कोई लेवी या टैक्स अप्लीकेबल नहीं है। मंडियों में क्या होता था, दलाल लोग लेवी और टैक्स लेते थे, जो बीच की कमाई। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वर्ड बाई वर्ड वहां पे लिखा गया है। दूसरी चीज इसमें ये लिखी गई है, ट्रेडिंग वही कर पाएगा, चाहे कंपनी हो, चाहे कोई जनरल ट्रेडर हो, चाहे पंसारी हो जिसका पैन कार्ड हो। अभी तक क्या होता था, किसान लेके गया, वो ऐसे अंगुली दिखाते थे, 2-3 एक दूसरे के मुट्ठी में करते थे, सौदा हो गया कोड वर्ड में, पैसे कैश दे दिए गए, महीने भर बाद दे दिए गए, 2 महीने बाद दे दिए गए, फिर काट लिए गए कि जी ये तो इसमें इतनी मिट्टी थी, तो इतना कंकड़ था। ये दो चीजें ऐसी हैं जो लोग मिडिल मैन हैं, जो लोग बिचौलिएपन का काम करते हैं और जो लोग कमीशन खोरी का काम करते हैं छोटे छोटे किसानों के साथ भी, उनके पैर पे ये कुल्हाड़ी है वो खत्म हो जाएंगे। हाँ, और इसका विरोध कौन कर रहा है मैं बता दूं, टिकैत साहब, महेंद्र सिंह टिकैत, जिनके पास 8, 10, 15, 20 पेट्रोल पंप है, 300, 400 एकड़ या 100 एकड़ यानी लंबी चौड़ी खेती है, सारी चीजें हैं, वो पॉलिटिक्स का फायदा लेना चाहते हैं इसका। उनका अपना पॉलिटिकल गोल है, क्योंकि सब मेरे घर के बगल में ही बॉर्डर पे बैठे रहते हैं और बहुत डिबेट की है उन लोगों के, किसानों के बीच में जाके हमने डिबेट की है। और जितने किसान नेता हैं, मैं उन गरीब किसानों की बात छोड़ दे रहा हूँ जो वहां उनके पीछे चले आए हैं। हाँ, क्योंकि वो मतलब देखिए लिटरेट भी नहीं है, अब ये बोल रहे हैं काला कानून है। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कोई 2-3 चीज ऐसी बताएं जो उनको काला लगता हो। ये बोलेंगे जी एमएसपी। हाँ, किसान आंदोलन का पहले क्या हुआ कि जी इस बिल को ये करो, एमएसपी लिख के दो। फिर उसके बाद इन्होंने मुद्दा क्या बदला, नहीं जी ये तो काला है, ये सफेद है, इसमें 2 पॉइंट हटा दो। फिर जी ये पूरा का पूरा बिल ही हटा दो। इनकी डिमांड भी लगातार परिवर्तित होती गई। इसका मतलब है इन्होंने पढ़ा नहीं। एक चीज और, ये पूरे बिल को पढ़ने के बाद एक सवाल हमेशा उठता है, हालांकि ये बीजेपी की गलती है, भाई इन्होंने डिस्कस क्यों नहीं करवाया। अरे मेरे भाई, कुल मिला के 4 पन्ने का बिल है, इससे ज्यादा बिल नहीं है, कॉपी पड़ी हुई है, आप चाहो तो देख लो। किसानों ने भी इसको पढ़ा ही नहीं, बहुत से लोगों ने पढ़ा ही नहीं। 4 पन्ने के बिल के लिए 500 सदस्य इधर, 500 उधर, उसके लिए 1 हफ्ते का डिस्कशन करवाएंगे। कोई ऑब्जेक्शनल चीज नहीं है, कोई दिमाग लगाने की चीज नहीं है। हाई स्कूल का पढ़ा लिखा लड़का भी समझ जाएगा कि ये क्या है। वो 10%, 20% किसानों को छोड़ दीजिए, उनको फायदा हो सकता है, उनको नुकसान हो सकता है। उनको नुकसान होने पे भी उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो बहुत रिच है, बहुत सुविधा संपन्न है। लेकिन 80%, 90% जो हाशिए पे किसान है, आप सोचिए कि आपकी उपज की डिटेल ऑनलाइन पड़ी हुई है और कोई आपको अपने गाँव का लाला नहीं खरीद रहा है, साउथ इंडिया से किसी ने खरीद लिया। आपको इसमें क्या ऑब्जेक्शन है साहब। रही बात एमएसपी की, तो एमएसपी इसके पहले भी क्या होता था, हर साल गजट होता था, नोटिफिकेशन होता था कि भाई इस साल इस फसल की एमएसपी इतनी रहेगी। इस साल जो एमएसपी हर साल बदलती है, यानी हर फसल पे बदलती है, उसको कैसे फिक्स कर दे कोई सरकार इस बिल में। मान लीजिए एमएसपी 2000 रुपए फिक्स हो गया, तो अगले साल तो उसको चेंज करना है ना, फिर नोटिफिकेशन देना होगा, फिर नोटिफिकेशन। तो एमएसपी का नेचर ऐसा है कि हर 3-4 महीने पे नई फसल के बाद एमएसपी का नोटिफिकेशन देना पड़ता है। तो चूंकि वो एक चेंजेबल प्रोसेस है, वो फ्लेक्सिबल चीज है, सरकार ने इसलिए एमएसपी का उल्लेख नहीं किया, क्योंकि वो हर फसल के बाद या उसके पहले ही तय की जाती है कि अब की बार ये एमएसपी होगा, अब की बार। वो एक सिंपल नोटिफिकेशन के थ्रू होता है, गवर्नमेंट मैकेनिज्म को, मशीनरी को चला जाता है और उसी पे खरीदारी होती है। अब क्लेम लोग ये कर रहे हैं किसान लोग, भाई एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही है। अभी सारे पॉलिटिकल डिबेट में कि एमएसपी नहीं मिल रही है, एमएसपी नहीं मिल रही है। तो वो एमएसपी के गजट, नोटिफिकेशन या बिल की कमी नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेशन की फॉल्ट है। मैं मान सकता हूं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं, जो बिचौलिए हैं। अच्छा, पहले पेपरों पे तो एमएसपी मिलती थी, लेकिन उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा बिचौलिए भी खा जाते थे या खा जाने की संभावना होती थी। तो इफेक्टिव एमएसपी प्राइस जिसके हाथ में पहुंचना चाहिए था, वो नहीं पहुंचता था। 2, 4, 6, 10% वो बिचौलिए खा ही जाते थे, जब किसान के खाते में पैसा पहुंचता था या कैश से या चेक से जो डिलीवर होता था। ये मामला भी आया था पंजाब में कि उन्होंने बोला कि हमें एडवांस चेक दो, बिचौलियों ने बोला, ट्रेडर्स ने बोला कि हमें एडवांस चेक दो। ये सब इस तरीके से करके फोर्स कर रहे थे। बाकी किसी का कोई ऑब्जेक्शन है तो मैं एक पॉलिटिकल उसके नहीं, ना बीजेपी ना कांग्रेस, कोई नहीं। टिकैत को छोड़िए, वो कोई बहुत उनको टैलेंटेड मैं नहीं मानता हूँ, जो किसान आंदोलन के स्वयंभू नेता है। सार्थक चर्चा करिए एग्री इकोनॉमिक्स के हिसाब से। मैं मार्केट का आदमी हूं, मार्केटिंग का आदमी हूं, मैं बता सकता हूं भारत के एग्रीकल्चर में क्या प्रॉब्लम रही है, क्यों प्राइस नहीं मिल पाती है। इतनी इंपॉर्टेंट चीज जिसको हर घर में प्रयोग किया जाता है। भारत का हर आदमी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, चाहे ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो। भाई मान लीजिए आप खेती नहीं करती है, लेकिन किसान की उपज की खरीदारी तो करती है ना, शॉपिंग मॉल से, दुकानों से, जिसमें हर आदमी इन्वॉल्व हो। और वो इतनी बड़ी समस्या बन के बैठी हो कि उनकी इनकम ही नहीं बढ़ रही है। तो ये तो प्योर इकोनॉमिक्स या एग्री इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है मैम। आपको जी बिल्कुल, अच्छा मैं तैयार हूँ। जी अक्षांश, मैं आपकी तरफ आती हूँ, आप क्योंकि कुछ कहना चाह रहे थे मिश्रा जी के। मिश्रा जी ने दो पॉइंट उठाए, जिसमें से पहले पॉइंट पे मैं जरूर कहना चाहूंगी, किसान चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, नुकसान किसी को भी नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ में आपने कहा कि राकेश टिकैत जो जिनके इतना बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग है वो स्वयंभू नेता बने हुए हैं। अक्षांश, मैं आपके आप जो मिश्रा जी को कहना चाहते हैं उसके साथ ये भी जानना चाहूंगी कि ऐसा क्या हुआ कि पहले राकेश टिकैत ही थे जिन्होंने इन किसान कानूनों को बेहतरीन बताया था, बेस्ट बताया था, 4 महीने बाद अचानक उनको ये काले कानून किस तरह से नजर आने लगे? जी अक्षांश। मैं जैसे कि मिश्रा जी ने बड़ा शालीनता से बहुत ढेर सारी चीजों को इतना सिंप्लीफिकेशन से बताया, उनकी बात का सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं छोटी छोटी 2-3-4 चीजें मिश्रा जी से निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से। पहली चीज है, यहाँ पर किसी की लीडरशिप पे कोई बात नहीं है कि कौन स्वयंभू नेता है, कौन क्या कर रहा है। यहाँ किसी भाजपा की, सपा की, किसी टिकैत जी की या किसी की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर केवल एक शॉर्टकट की बात मैं ये करना चाह रहा हूँ कि इस बिल से किसानों को क्या लाभ हो रहा है और किस बिल से किसानों को क्या नुकसान हो रहा है। इन्होंने बहुत सिंपल से कहा कि 4 पन्ने का बिल है, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, आराम से उन लोगों को बैठ करके निर्णय ले लिया, उन लोगों को पूरा नॉलेज है, बाकी जितने लोग थे वो सब जीरो क्वालिटी में, दैट्स इट, इनकी भी बात कर सकोगे। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, उसी बिल में अगर आपने जानकारी ली हो, जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर हम लोग आ जाते हैं, उसी का एक छोटा सा बिंदु है। उसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में पहले ये हुआ था कि जो मतलब है जो हल्के का SDM होगा, वो अगर वो कंपनी और किसान के बीच में अगर एग्रीमेंट होता है और कंपनी और किसान के एग्रीमेंट के बीच में किसान न्यायालय नहीं जा सकेगा और किसान मतलब क्या कहते हैं SDM साहब ही पूरा निर्णय ले लेंगे, जो भी मतलब उस हल्के का मामला होगा, उसके जो परगना के अधिकारी होंगे वो के निर्णय ले लेंगे। अरे साहब, थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करना, मैंने वहां मंच में भी जब वो कृषि मंत्री जी के साथ मीटिंग थी उस पर भी एक निवेदन के लिए मैंने अपना पक्ष इस पर रखा था कि इतनी बड़ी कंपनी, मैंने कहा जब यहाँ पर बीमा कंपनियों का तर्क दिया था वहां पर कि जब फसलें खराब होती है, सौरभ बुंदेलखंड से ही आते हैं, इनको जानकारी की बहुत अच्छी होता, और जिस गांव मुनार से आते हैं उस गांव की भी स्थिति ये होती है कई बार कि जब फसल में सूखा पड़ जाता है तो यहाँ पर लेखपालों को, जिनको पटवारी कहते हैं, उनको जिले के वो एक कंपनी का व्यक्ति आता है और कंपनी का व्यक्ति आकर प्रैक्टिकल पर बात करना है, पेपर पर बात नहीं करने की बात करना है, जमीन पर बात करने की अगर बात हो तो सत्यता पर यदि बात करना, तो वो व्यक्ति आता है जो कंपनी का एक हेड होता है, तो वो आता है, सभी जिलाधिकारियों से मिलता है और जिलाधिकारियों का पेपर पे नहीं, आंतरिक तौर पर एक मौखिक आदेश हो जाता है कि हर गाँव में अगर 80% की गड़बड़ी होती है तो उसको 40% दिखाते हैं, 50% दिखाते हैं, 60% दिखाते हैं। वो आए और धीरे से सब मैनेजमेंट होता है और आखिरी में आकर के जो एक्चुअल किसान था, जिन्होंने एक बात कही ना, जो एक्चुअल किसान था, उस एक एक्चुअल किसान के बेचारे की 80%, जब वो किस्त प्रीमियम की जब बात आती है, वही बीमा कंपनी के लोग प्रीमियम आराम से बिल्कुल, जब KCC जब बेचारे गरीब के पैसा नहीं होगा तो प्रीमियम में कहीं समझौता नहीं होगा, उस पर अगर कोई बात करेगा कि प्रीमियम भाई 2 महीने, लेकिन भाई वो एक सिस्टम है, वो ठीक है भाई प्रीमियम आपने टाइम से ले लिया, लेकिन जब उसकी बेचारे की फसल खराब हो उसी प्रीमियम के अनुरूप उसको पूरे का पूरा पैसा जमीन पर मिलना चाहिए। बहुत हल्के तरीके से जैसे कि बोला गया कि MSP, जब MSP पर कहा कि भाई ये मैनेजमेंट की कमी है, मैनेजमेंट की कमी को सुधारेगा तो, और जब बिल बना था तो बिल में ये भी चीजें होनी चाहिए कि अगर इन्होंने कहा कि कोर्ट, पहले कोर्ट पर बात हो रही थी, जब उस सुझावों में दौरान पे जब किसान नेताओं की और बात होती थी तब मामला हो, चले भाई आप कोर्ट भी जा सकते हैं, कहीं कोई हमको दिक्कत नहीं। और जो इन्होंने कहा कि सुझाव की जरूरत नहीं थी, 4 पन्ने का बिल था, अरे यही सब बातें, जो बातें आज बाद में हुई थी, यही बातें जब पहले चर्चा होती तो जमीन की हकीकत, वहाँ 4 लोग कमरे में बैठ करके कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। आज जिन चीजों पर विश्लेषण हो रहा है, हो सकता है कि मिश्रा जी के पड़ोस में ही आंदोलन हो रहा हो, मैं इन सब बातों से इत्तेफाक रखता हूँ कि वो कह रहे हैं, उनकी बात का किसी तरीके से मैं विरोध नहीं करता हूं, लेकिन मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है। नरेंद्र सिंह तोमर जी कृषि मंत्री थे और जब MSP पर यहाँ किसान नेताओं के साथ मीट कर रहे थे, उन्हीं के जिले में 1 नहीं 8 जगह MSP पर खरीद नहीं हो रही थी। उनको ही बताया गया कि भैया दुनिया की बात ना करो, आप के यहाँ जिले में ऐसी स्थिति आ रही है, उसको तो देख लीजिए। हमने यही तो कहा था कि जो व्यक्ति, जो राज्य और या जिस जिले का कलेक्टर या जिस जिले के स्थितियां हों जहां पर जो आपके द्वारा तय की गई हुई एमएसपी का मूल्य हो और तय की गई हुई रेट पर नहीं ले तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, दंडात्मक कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए। दूसरी चीज, आप बार बार ये कहते हैं कि पेपर में लिख करके एमएसपी को दे दो। अरे भाई, जब हम कह रहे हैं कि एमएसपी का एक्ट बना दीजिए, उसमें कहां कौन सी समस्या आ रही थी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब किसी चीज पर जब हम ये क्लियर कर लेंगे कि मनु जी, मैं संसार की बात मान सकता हूँ, मनु जी कह रहे हैं इसलिए मनु जी की भर बात नहीं मानना, प्रेस्टीज इशू बना लूं, हर चीज में प्रेस्टीज इशू पे वर्क नहीं होता है। ये विषय सभी विषयों से हट करके एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत जटिल और बहुत आखिरी पंक्ति पर खड़े हुए व्यक्ति की योजनाओं पर लाभ दिलाने वाला विषय, इस पर 1000% पहले राय होनी थी। जब हम लोग एक छोटी सी शादी करने परिवार की जाते हैं तब परिवार के 4 लोग बैठ करके चर्चा करते हैं कि मंडप कब होगा, शादी कब होगी, निर्णय कब लिया जाएगा, उस पर फिर जा करके शादी को सुव्यवस्थित ढंग से हम लोग करने का कार्यक्रम करते हैं। एक ऐसे एग्जाम्पल था, अक्षांत जी आपके वीडियो रुक गई है, जो इतना बड़ा सहारा नेटवर्क का इशू है आने वाले जी, जी। उनके लिए कोई चर्चा हो, उसके लिए कोई अक्षांश जी आपकी वीडियो रुक गई है, शायद इंटरनेट इशू है। नहीं, हमारा तो बिल्कुल ठीक है जी, हमें आवाज नहीं आ रही थी बिल्कुल, या बिल्कुल आपके पिछले सेंटेंस से हमें कनेक्ट नहीं हुआ जी। मैं कह रहा हूं कि क्या 4 लोग बैठ करके कमरे में बैठ करके ही सब बातें हो जाएंगी? क्या एक्चुअल जमीन पर बात नहीं की जाएगी? मैं जैसे इन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल खत्म कर दूं कि ना अक्षांश जी से इस राजनीति से मतलब होना चाहिए, ना सौरभ जी से मतलब है, ना पंडित जी से मतलब है, ना मनोज जी से मतलब, ना टिकैत जी से होना चाहिए, गुरुनाम चटुनी से होना चाहिए। सब बातें अलग कर दी जाए सबकी। आप हो सकता है कि राजनीतिक इच्छक देख रहे हो, सबको अलग कर दिया जाए, लेकिन क्या मैं सार्वभौमिक तरीके से उस जो कह रहे हैं कि इन्होंने ये कम कर दिया वो कम कर दिया, क्या आखिरी जैसे सरकार हमेशा बहुत ढेर सारे भारत सरकार के निर्णय इतने बेहतरीन थे कि स्वागत योग्य कदम थे, उस पर सीधा सभी लोगों ने समर्थन किया। जब सत्ता में भी आए हैं तो हम ही 70% लोगों ने तो उनको पोल कर करके उनको सत्ता में बैठाने का काम किया है। आज ये स्थिति थी तो हम एक बार जब चर्चा होना अति अनिवार्य था, पर शुरुआत ऐसा नहीं हो सकता कि सीधे उठाए थे और हमने मेज बजा ली और काम कर लिया, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जैसे इन्होंने एक बात कहा कि उस आखिरी पंक्ति पर खड़े हुए व्यक्ति को लाभ इस माध्यम से हो गया। फिर से मैं सौरभ जी से ही इस चीज का मैं पूछना चाहता हूं प्रैक्टिकल पे जमीन पर कि अभी हम लोगों के यहाँ बुंदेलखंड में धान की और गेहूं की खरीद चल रही थी, अभी करंट में ही चल रही थी। अब गेहूं खरीद में सौरभ जी आप ही बताएं कितनी बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई थी, और उस एडमिनिस्ट्रेशन का 20 जगह रद्दी से रद्दी, जो जिस पर बता रहे ना कि पर्चे में बना लिया गया कि इस मानक से इतनी मॉइस्चर लेंगे, इतना ये लेंगे, उतना वो लेंगे, उसका ये आंकड़ा बना करके गेहूं ले लिया जाएगा, उसको इतने में एमएसपी दी जाएगी। उन्होंने इतने बढ़िया व्यवस्था की सरकार ने, उसको कह देंगे जब कहीं भी आप नाकामी की बात करेंगे तो एक ही लाइन बता दिया जाएगा कि उसमें सरकार की क्या कमी है, उसमें उस बिल की क्या कमी, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन की कमी। अरे भैया, जो एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने आप जो एमएसपी के रेट का पैसा था किसानों को मिल ही नहीं पाया, वो बेचारे। लेकिन बात सही है कि सरकार तो एक दिशा निर्देश ही तय करती है, कोई भी सरकार होती है वो एक व्यवस्था ही बनाती है और व्यवस्था का पालन एडमिनिस्ट्रेशन कराता है, जो प्रशासन होता है। और बात व्यक्तिगत ईमानदारी की है, चाहे प्रशासन की ईमानदारी की बात हो या राजनेताओं की ईमानदारी की बात हो या किसान की ईमानदारी की बात हो। किसान के लिए भी जो आपने सोचा, बिल्कुल लाइन लगी थी और उसको जो मीडिया है वो हस्तक्षेप भी करती है, वो बताती भी है कि समस्या है, आपने कहाँ से जाना, पत्रकारों के माध्यम से ही आपको एक जानकारी मिली कि मतलब ऐसी ऐसी लाइन लगी हुई है, कुछ लोग आए हैं। अक्षांश रुकिए, उनका सुन लेते हैं, फिर आपके पास जो जानकारी मिली है वो पत्रकारों के माध्यम से मिली है, तो वो किसानों को न्याय दिलाने के लिए मिली हुई है। सरकार ने एक दिशा निर्देश तय कर दिया और एमएसपी के बारे में भी तय कर दिया कि एमएसपी इतनी रहेगी, और वो प्रत्येक, जैसे थोड़ी देर पहले कि मिश्रा जी ने बोला कि वो प्रत्येक फसल के समय पर, चक्र के समय पर ही तय की जाती है और हर एक साल तय की जाएगी, हर साल, 2 साल 3 साल में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक बार तय कर दी जाए, तो सीधी सी बात है। और जो आंदोलन का बड़ा स्वरूप है, क्योंकि अभी हम उत्तर प्रदेश की एमएसपी की व्यवस्था, खरीद फरोख्त की व्यवस्था पर बात नहीं कर रहे हैं। हमारा सीधा सा एक मुद्दा है कि आंदोलन का स्वरूप क्या है और किसान आंदोलन की सच्चाई क्या है, जो हमारा एक मुद्दा है। आप जो आंदोलन, जो भारत एक आंदोलन के लिए जाना जाता है, भारत की आत्मा है एक आंदोलन, तो हमें उसके लिए सोचना बृहद चिंता का विषय है। क्योंकि यहाँ पर तो जो टेक्निकल बातें हैं, मिश्रा जी ने बहुत अच्छी बातें रखी हैं कि है वो पढ़ा जा सकता है, सभी पढ़ सकते हैं। और हमारे देश की जो राजनीति बन गई है, जो हमारी आत्मा है एक आंदोलन, चूंकि हम आंदोलन वाले राष्ट्र के निवासी हैं, उसी जनता चूंकि हम रह रहे हैं तो आंदोलन की वजह से आज आजाद हैं। आंदोलन का स्वरूप कैसा हो गया है, चिंतन की बात वहां पर है जी। किसान आंदोलन में नाचने वाली लड़कियां पहुंच जाती हैं, ये भी स्पष्ट दिखा और मीडिया के माध्यम से दिखा। किसान आंदोलन में बलात्कार होता है, ये स्पष्ट दिखा। किसान आंदोलन में एक व्यक्ति को जला दिया जाता है, ये स्पष्ट दिखा। अब यही किसान आंदोलन महात्मा गांधी की बात करता है, यही किसान आंदोलन एक आंदोलनकारियों की बात करता है, क्रांतिकारियों की बात करता है, शहीद भगत सिंह की बात करता है, चंद्रशेखर आजाद की बात करता है, उन सभी की बात करते कहते हैं बापू का राष्ट्र है। लेकिन ये राष्ट्र तो रामचंद्र जी का भी है। आप, मैं एक दिन चिंतन कर रहा था इसी बारे में कि आखिरकार महात्मा गांधी का ही राष्ट्र हम क्यों कहें, हम श्री रामचंद्र जी का राष्ट्र क्यों ना कहें, हम श्री कृष्ण का राष्ट्र क्यों ना कहें। उनसे बड़े व्यक्तित्व तो महात्मा गांधी नहीं है। हाँ, लेकिन महात्मा गांधी की जब अहिंसा की बात करते हैं, आप आंदोलन की बात करते हैं, तो जो वर्तमान समय में जैसा आंदोलन शुरू किया गया था दिल्ली में, वैसा ही एक स्वरूप मिला वापस, क्या कहते हैं, जो सीए और एनआरसी के समय का जो आंदोलन था, वैसा ही एक स्वरूप किसान आंदोलन का मिला। और किसान भारत की आत्मा है, गांव भारत की आत्मा है। किसान एक ऐसा शब्द है जिसको आप कहेंगे दुखती रख पर हाथ रख देना कहते हैं। तो आपने दुखती रख पर हाथ रख दिया कुछ नेताओं ने, जिनको फंडिंग मिली। आप देखिए, अगर इनको फंडिंग नहीं मिलती, क्या बिना फंडिंग के आंदोलन का बृहद स्वरूप आ सकता था सामने? क्या वहां वॉशिंग मशीन पहुंच गई? क्या वहां पर इतनी सारी व्यवस्था आ गई? तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति ने, चाहे वो विदेशी फंडिंग की बात रही हो या विपक्ष के द्वारा किसान आंदोलन की फंडिंग की बात रही हो, किसी ना किसी ने उसको ऊर्जा प्रदान की। और ऊर्जा अगर प्रदान की है तो निश्चित तौर पर एक राजनीतिक लाभ लेने के लिए हमने एक ऊर्जा प्रदान की है कि लोग एक राजनीतिक लाभ वहां से चाहते थे। और उसका फलस्वरूप आपको दिखा भी। जब पश्चिम बंगाल का चुनाव हो गया तो यही लोग जाकर के ममता बनर्जी के साथ बैठ करके एक मीटिंग करते हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के साथ। तो वो आपको परिणाम दिख रहा है कि एक तरफ आप किसान आंदोलन की बात करते हैं, एक तरफ आप चुनाव जीतने के बाद आप पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, जो पुणे चुनी हुई मुख्यमंत्री थी, जो हाल ही में चुनाव जीती, उनके साथ जाकर के आप बैठक करते हैं और एक बृहद स्वरूप ये तय करते हैं कि हम अगले चुनाव तक फिर आंदोलन जारी रखेंगे। अर्थात आपका आंदोलन किसानों का आंदोलन है या चुनावी आंदोलन है, यहाँ पर एक अंतर स्पष्ट करना पड़ेगा कि आप भ्रमित करके, और आंदोलन सीमित कहाँ तक है। अगर आप आंदोलन को देखें, क्योंकि आंदोलन के स्वरूप को देखना पड़ेगा। आंदोलन है पंजाब से, पंजाब के कुछ स्वरूप, एक बड़ा स्वरूप है, हरियाणा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं। बाकी जो छोटी छोटी जगहों पर किसान यूनियन की छोटी मोटी इकाइयां हैं, उन्होंने दिशा निर्देश के आधार पर छोटे मोटे प्रयास किए। और जमीनी स्तर पर देखें तो मात्र और मात्र किसान यूनियन के सदस्यों ने ही उसका विरोध किया है और वो लोग लामबंद हुए हैं और एक प्रयोग किया गया आंदोलन के रूप में। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमको देखना है, बात ये नहीं है कि एमएसपी और एपीएमसी एक सरकार और एक द्वार खोला गया है। अब मुझे नहीं लगता कि 21वीं सदी में किसान हो या युवा हो, कोई भी बेवकूफ नहीं है। आप अगर सब कुछ हैं तो आप भ्रमित हैं, आपको भ्रमित कर दिया जाता है। हमारी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की पॉलिटिक्स है, स्टेट लेवल की पॉलिटिक्स है, वो पूरी तरह से, क्या आप एक लीडरशिप को सोचते हैं कि हमारी कोई एक लीडरशिप रह गई है? क्या आपको लगता है कि ईमानदार नेतृत्वकर्ता रह गए हैं? कि प्रश्न चिन्ह यहाँ पर खड़ा होता है। तो हमें सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर खड़ा करना है कि आंदोलन का स्वरूप क्या है और आंदोलन पर शक क्यों ना किया जाए। एमएसपी तय की गई है, एमएसपी आगे भी तय होगी। किसानों की समस्याएं हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन किसान अपनी समस्याओं के लिए भी जिम्मेदार क्यों है? आपको एक बात पता हो कि बुंदेलखंड में ज्यादातर, चित्रकूट में आप लेंगे, जब चूंकि चित्रकूट से है तो बेसिकली चित्रकूट आता है, जगन्नाथ सिंह डीएम थे, ज्यादातर किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड उस जमाने में अटल जी के जमाने से जब शुरू हुआ तो वहां पर बनवाया। किसान क्रेडिट कार्ड बना, आपको पता है कि बंदूक ली गई है किसान क्रेडिट कार्ड लेकर के। हम इस पर किसान यूनियन क्यों नहीं बात करती? किसान यूनियन ये क्यों नहीं कहती कि किसान क्रेडिट कार्ड लेकर के आप बेटी की शादी में क्यों खर्चा करते हैं? क्रेडिट कार्ड किसान की फसल के लिए है, क्रेडिट कार्ड किसान को इस बात का प्रशिक्षण देने के लिए है कि आप फसल के लिए प्रयोग करें, आप इस हेतु प्रयोग करें कि जिससे वो पैसा बढ़ सके। आप लोन लेकर के अगर एक मुश्त उसको किसी बेटी की शादी में या बेटे की शादी में या घर बनवाने में या बंदूक बनवाने में, राइफल लेने में आप खर्च करते हैं। कभी भी कोई भी किसान यूनियन इस और बात करता हुआ नहीं दिखता। किसान अपनी बदहाली के लिए अपनी सोच की वजह से जिम्मेदार है बहुत सारे मामलों पर, क्योंकि उसका सदुपयोग नहीं हो पाया है। अन्यथा मुझे ऐसा लगता है कि किसान क्रेडिट कार्ड से भारत समृद्ध राष्ट्र होता, लेकिन ना इस ओर सरकारों ने ध्यान दिया, ना इस ओर किसान यूनियन जैसे संगठन ने ध्यान दिया कि मिल रहे पैसे का सदुपयोग कहाँ पर करना है। और एमएसपी एक बाजार खोला गया है, एक द्वार खोला गया है, किसी को बाध्य नहीं किया गया इस कानून के माध्यम से कम बाध्यता नहीं है, गुलामी तो नहीं है। ऐसा तो नहीं लिखा कि नहीं आपको वहीं जाना है जहां सरकार कह रही है। आपके लिए बाजार भी खुला है, आपके लिए एपीएमसी और एमएसपी खुला, और ये तय है कि दलाली तो होती है मंडियों में, और मंडियों के खत्म होने की आशंका जो जाहिर की गई थी, तो सरकार का भी कहना है कि खत्म नहीं होगी, और वो खत्म एक व्यवस्था नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती है। हाँ, प्राइवेट मंडियों की बात, एक शक आता है, उस शक को दूर करने के लिए संवाद के माध्यम से दूर किया जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है पूरी तरह से। तो आंदोलन के स्वरूप पर बात करनी चाहिए। बिल्कुल सौरभ, आपने कुछ अहम पॉइंट्स उठाए। मैं अक्षांश, आप सौरभ की बात पर कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद मैं वो सौरभ के पॉइंट्स उठाऊंगी। जी, आप क्या कहना चाह रहे थे? देखो सौरभ जी, जितनी भी बातें हुई हैं आपके द्वारा, अक्षांश आपकी आवाज कम आ रही है, थोड़ा सा लाउड, आवाज बहुत स्लो आती है। देखिए, जितनी भी सौरभ आपके द्वारा बातचीत की गई है, वो सभी बातें, कुछ बातें तो बहुत ही सपोर्टेबल है। अवेयरनेस तो बिल्कुल 100% होनी चाहिए। मैं इस चीज का तो सपोर्ट करता हूँ कि जिस मद के लिए पैसा निकाला गया, सपोज दैट अगर वो इसके लिए निकाला गया है कि बीज, खाद और कृषि को मेंटेन करने के लिए वो पैसा निकाला गया है, तो इस पे 100% एक अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए। मैं आपकी इस बात का 100% सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि जमीन में बहुत ढेर सारी चीजें आप देखते हैं, और उन देखी हुई चीज का बिल्कुल प्रॉपर वे पे वो होना चाहिए। इस काम को आपने एक अच्छा वो दिया है सुझाव, इस सुझाव को भी अगली बार जब होगा तो अपने बीच में लोगों को इस चीज के सुझाव को रखा जाएगा, इन सुझाव में लोगों के बीच में बातें की जाएंगी। मैं आपके माध्यम से फिर एक चीज, लेकिन जैसे बहुत ढेर सारी चीजें बात कर ली आपने, जैसे कह दिया कि किसी चीज का कोई बाध्य नहीं है। आप क्यों नहीं इस चीज पे सौरभ जी, आप भी किसी पक्ष को, किसी दल को देख करके अपना विषय न रखें। एक चीज इस पर बात ये करने की जरूरत है कि आज चीजें सामने आई हैं, आपने कह दिया कि हम इस विषय को लेकर के बात करने नहीं आए। मैं चूंकि ये विषय उसी विषय से जुड़ा था, इसलिए मैंने उस बात को रखा नहीं। मैं उस विषय में, मुझे मालूम हम लोग आंदोलन पर बात करने आए हैं, आंदोलन पर चर्चा, आंदोलन का क्या स्वरूप है वो बात करना। मैंने जो यहाँ पर बात की, आपको इसलिए बार बार कनेक्ट किया इन चीजों से, क्योंकि क्षेत्रीय छोटी छोटी कई समस्याओं से आप वाकिफ होते हैं, ऊपर आपका थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश। दूसरी चीज, रही बात आंदोलन में जो भी प्रकार की गतिविधियां हुई, XYZ कई चीजों में जहां भी अव्यवस्था होने का कार्य हुआ, तो वहां ये बिल्कुल सही बात है, जहां पर अव्यवस्था हुई तो क्या उस अव्यवस्था का किसी ने समर्थन तो नहीं किया, और कहा है कि अगर किसी प्रकार की जिसने गड़बड़ी की है, जो दोषी है उसके खिलाफ। भाई आपको पता है कि चांद में एक दाग होता है, एक दाग है चांद में, लेकिन चांद को कहा जाता है कि चांद दागदार है। तो जो किसानों का आंदोलन है, इसमें कितने दाग लग चुके हैं, इस बात की चिंता भी तो करनी होगी। क्या इस चीज की अवेयरनेस और चिंता को लेकर के जब भी बात हुई है, क्या किसी भी इतने बड़े जहां पर गड़बड़ी हुई, क्या किसी ने उस गड़बड़ी का समर्थन किया है क्या सौरभ जी? मैं बताइए, आपको किसी ने समर्थन एक नहीं बात किया। मैंने देखी थी कि उस पर उमर खालिद जैसे लोगों को छोड़ने की बात भी की गई थी समझौते पर। आप ये बात कह रहे हैं तो उस पर तत्काल प्रभाव से तो एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी कि हमारा इस तरीके के लोगों से, ये भीड़ में आए हुए अराजक लोग हैं, इस कार्यक्रम से इन लोगों का हमारा कोई लेना देना नहीं है। तत्काल अब आप 5000 लोगों की भीड़ में जाकर के अचानक से आप भी किसी प्रकार का कुछ काम करने लगे, लेकिन जब वहां पर संयुक्त किसान मोर्चा ने तत्काल उस पर बयान जारी किया, और बयान जारी करके ये तत्काल प्रभाव से बताया कि इन लोगों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, और ये लोग कब आ गए, इसकी तत्काल प्रभाव से। और जब भी दोबारा हुआ तो उसका संगठन के लोगों ने वहां पर पुरजोर विरोध भी किया। ये भी आप आधी बात बता करके आप भ्रमित करने की बात नहीं होगी, पूरी बात बताना पड़ेगा। अगर वो भी हुआ है तो ये भी बताएं कि फिर बाद में क्या उसका अगर प्रश्न हुआ है तो उसका उत्तर भी वहां पर क्या, वो भी बताना पड़ेगा। दैट्स इट। दूसरी बात, आंदोलन की स्थिति पर अगर बात की जाती है या जिन चीजों पर बात की जाती है या जिन बिंदुओं को लेकर के जो बहस और ये आंदोलन लगातार चल रहा है, ऐसा होता है कि किसी भी प्रकार का जब कोई विषय होता है उस विषय की इतनी बृहदताएं होती हैं, जिस विषय को लेकर के आंदोलन पे वहां पर लोग बैठे हैं, उन आंदोलन के स्वरूप को सरकार ने बताया कि जैसे आपने एक बात कही ना, जैसे भाजपा के जितने भी, चूंकि भाजपा का नाम लेना मेरे लिए वैसे गलत है, केंद्र सरकार का प्रवक्ता, क्योंकि जब अपन लोग संवाद में जाते हैं तो राजनीतिक दलों के लोग अपने साथ एज ए प्रवक्ता के तौर पर होते हैं, तो जब वो लोग प्रवक्ता के तौर पर होते हैं तो वो सीधा जितनी बातें वो है, जितनी संबित पात्रा जी कहते हैं उनमें बहुत ढेर सारे पॉइंट आपके मिले हैं उसको, क्योंकि एक डिबेट में भी था मैं साथ में उनके साथ, तो काफी इसी तरीके की उन्होंने बात की। आप एक बात सोचिए जरा सा, किसान भारत की रीढ़ की हड्डी है, किसान सबसे बड़ा मतदाता है, और इसके बाद मैं कहता हूँ किसी भी दल की सरकार हो, वो कांग्रेस की सरकार हो मान लीजिए या मोदी सरकार हो, क्या किसी की इतनी हिम्मत है कि वो किसानों के साथ गलत कर जाएगा, किसानों के खिलाफ कोई काला कानून ला देगा? प्रश्नवाचक चिन्ह ये खड़ा होता है। दूसरी बड़ी बात है कि विकसित राष्ट्रों में अमेरिका हो, 1960 का दशक ले लें और अभी तक का दशक ले लें, तो अमेरिका जैसे राष्ट्र में भी ऐसी एक समवर्ती चलती है व्यवस्था, जो जिस व्यवस्था की बात आज 21वीं सदी में भारत में हुई है। एक मिनट रुकिए, ये सब इमोशनल बातें हैं। मैं आपको बताऊं, आप हार्डकोर प्रिंसिपल ओरिएंटेड जो मैकेनिज्म होता है ना बिजनेस का या मार्केट का, उस पे बात करिए। उन्होंने ये बोला, उन्होंने ये बोला, ये इमोशनल बात कर। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेरे मित्र ने अभी एक चीज बोली, मैं आपको बताऊं कि हम शादी करते हैं तो ये है वो है, यहाँ ज्यादातर इस चीज की जो है फजीहत या वो, जी हमसे नहीं बात किया, हमसे नहीं बात किया। अरे इंडिविजुअली सबसे जाकर के जो है सरकार पूछेगी क्या भैया? पॉपुलेशन जनसंख्या का जो है जब रजिस्ट्रेशन होता है, पॉपुलेशन सेंसस होता है, वो तो एकदम इतना मुश्किल काम होता है, तो कोई ऐसा नहीं है कि सरकार या वो संस्था हर आदमी से जाके पूछे कि तुम सेटिस्फाइड हो कि नहीं। इतने मुद्दे हैं देश में। दूसरी इन्होंने एक चीज उठाई कि भाई वो केवल SDM के कोड तक लिमिटेड रहेगा, हमारे मित्र ने ठीक से पढ़ा नहीं है, उसमें 2-3 क्लॉज दिए हैं। मान लीजिए कोई डिस्प्यूट होता है तो SDM को ये अधिकार होगा कि वो 2 पार्टियां बनाएगा, एक उस तरफ से किसान के तरफ से और दूसरा उस तरफ से। 30 डेज तक अगर कोई सोल्यूशन नहीं आता है उसका, म्यूचुअली एग्रीमेंट या ये सब चीजें करके, तो उसको डिसॉल्व करके फिर वो दूसरा इस तरीके से किसी अधिकारी को बैठा सकता है दोनों तरफ से। तो इतना सिंपल भी नहीं है कि कोई वहां SDM ने बोल दिया, जो अभी बोल रहे थे कि फसलें होती है जी, आधा ही काउंट किया जाता है, मुआवजा आधा मिलता है। देखिए 2 चीजें होती है, एक होता है प्रिंसिपल बेस्ड। ये बिल जो है बहुत सही है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं आपको बोलता हूँ मेरे तरफ से, बीइंग एग्री इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट, इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट, मैनेजमेंट का एक्सपर्ट, मार्केट का एक्सपर्ट, मैं बोलता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पार्ट होता है इम्प्लीमेंटेशन का। मैं बोलता हूँ साहब, यहाँ तो कानून सारे दुनिया में है कि किसी का मर्डर करने पर फांसी होगी, लेकिन अब कानून गलत है कि इम्प्लीमेंटेशन, अगर इम्प्लीमेंटेशन में कमी है तो उसके लिए सरकार कर रही है। सरकार क्या कर रही है मैं आपको बताता हूँ, इसी बिल में ये छूट दी गई है और प्रमोट किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन हो, पैन कार्ड होना जरूरी है। ऐसा मिश्रा जी का इंटरनेट कनेक्शन टूट गया है, शायद वो भी कनेक्ट हो जाएंगे। हमारे पास आखिर के 15 मिनट रहते हैं। अक्षांश, मैं आपकी तरफ आती हूँ। मिश्रा जी जब जुड़ेंगे तो वो अपनी बात पूरी करेंगे। मेरा जब हम अपने कंक्लूजन की तरफ जाएं उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, मिश्रा जी जुड़ ही गए हैं हमारे साथ। तो जी मिश्रा, कंटिन्यू करता हूँ। जी, पैन कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन पे, पैन कार्ड तो मैंडेटरी है जो भी ट्रेडर होगा। अब ऐसा क्यों किया गया है? इसीलिए कि अगर कोई फ्रॉड करे तो पहचाना जा सके, इसके पहले तो होता नहीं था। अच्छा, दूसरी चीज आप ये और देखिए यहाँ पे कि पैन कार्ड के साथ साथ जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन होगा तो पैसा जिसके हाथ में जाना चाहिए, किसान के हाथ में, उसी के हाथ में जाएगा। अच्छा, कोई अगर गलतफहमी होती है, कुछ होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन पैन कार्ड से पकड़ा जाएगा। यानी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस को भी स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है। सरकार सैटेलाइट के थ्रू ये जानने की कोशिश कर रही है, देखिए कितनी पैदावार हुई पर हेक्टेयर या टोटल, ये कैलकुलेशन कैसे होता है। एक पहले मैनुअल होता था कि SDM वगैरह ये सब जाके जो पटवारी होते थे, हाँ भाई इतना है तो इतने एकड़ में खेती हुई है, एवरेज निकाल लिया। अब तो या तो ड्रोन से मैपिंग हो रही है या सैटेलाइट के थ्रू हो रही है। हो सकता है 5G वगैरह आने में अभी टाइम लगे, लेकिन सरकार इम्प्लीमेंटेशन में आदमियों को जितना आप दूर रखेंगे, बिचौलियों को, अधिकारियों को, किसी को भी जितना दूर रखेंगे, एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। तो सरकार इस बिल में इस चीज का भी प्रोविजन है, ये एक नेक्स्ट स्टेप है कि जो इम्प्लीमेंटेशन में कमियां रह जाती हैं उसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेकर के जाया जाए। कहीं कोई ऐसा लॉजिक मुझे नहीं दिखता है। एक सबसे बड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ, 70 करोड़ के आसपास यहाँ पे किसान है, 6,000-7,000 मंडियां हैं। एक मंडी पे कितना बड़ा भार है आप मुझे ये बताइए कि किसान वो बेच सके। वो जितनी मंडियां हैं वो उसको सफिशिएंट नहीं है लोड को जो है हैंडल करने के लिए। तो एक व्यवस्था और आई कि ओपन मार्केट में भाई मंडियों से भी तो वो चीजें या तो कंज्यूमर खरीदता है या कंपनियां खरीदती हैं। ट्रेडर का ये भय दिखा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की इन्होंने बात की। सर आप जितनी चीजें करते हैं सुबह से शाम तक एवरीथिंग इट इज कॉन्ट्रैक्ट। मैं आपको बता दूं, चाहे वो 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे हो, चाहे वर्बल हो, चाहे मूक सहमति हो। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब ये नहीं है, मान लीजिए मैं बोलता हूं किसी ताकतवर आदमी ने, जमींदार ने, कंपनी ने ये लिखवा दिया कि जी अगर 100 किलो फसल का वादा करते हो, अगर नहीं होता है तो हम तुम्हारे हाथ कटवा लेंगे। अगर कोई इलीगल चीज कॉन्ट्रैक्ट में लिखी जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही नल एंड वायर्ड हो जाता है। मैंने आपके यहाँ नौकरी के लिए अप्लाई किया, आपने ये बोला कि भाई तुम्हारा टारगेट मार्केटिंग का 1 लाख रुपए है, अगर टारगेट नहीं हुआ तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है कि वॉयड कॉन्ट्रैक्ट है? आप कॉन्ट्रैक्ट के नेचर को समझिए। आउट ऑफ द वे जाकर के अगर किसी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और वो चैलेंज किया गया, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करवा लीजिए। हाँ, वो वॉयड कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली बट नेचुरल बाई डिफॉल्ट हो जाता है। इसमें जो मुद्दे हैं, जो पॉइंट है, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है ना किसान नेता। पॉलिटिकल माइलेज लेने की ज्यादा कोशिशें हो रही हैं। बंगाल में किसी किसान ने नहीं किया, पूर्वांचल में किसी किसान ने नहीं किया, कुछ यहाँ वेस्टर्न यूपी में बैठ गए हैं, कुछ पंजाब से। अच्छा, पंजाब के किसान क्या है, रिच है, सब कुछ है, पार्टी हो रही है कि आके बैठे रहो। आज की डेट में बारिश हुई है, हमारे गाँव में क्या चल रहा है, लोग वहां पे धान की रोपाई कर रहे हैं जो किसान है या मजदूर है। हाँ, और यहाँ टिकैत साहब इधर घूम रहे हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी के नेता से मिल रहे हैं। मैंने बोला ये उन किसानों के लिए है जो खेत में आज काम कर रहे हैं, ये उन किसानों के लिए नहीं है जो मर्सिडीज बेंज से घूम करके किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं और 5 स्टार होटल में रह रहे हैं। वो किसान है ही नहीं, वो उनके लिए बिल नहीं है, उनका पॉलिटिकल माइलेज है। और मैं अभी भी चैलेंज के साथ बोलता हूँ, प्रिंसिपल बेस्ड अगर डिस्कस करेंगे तो बहुत इंप्रूव्ड बिल है ये। एपीएमसी को कहीं नहीं छेड़ा जा रहा है, मल्टीपल व्यवस्थाएं आपको दी जा रही हैं कि किसान कहीं पे भी बेच सकता है। आप एक छोटा सा सामान खरीदना होता है तो आपके पास, आप 5 दुकान जाते हो, आलू खरीदने जाते हो तो 5 ठेले पे भाव और क्वालिटी पूछते हो। अगर आपको ये फैसिलिटी मिल रही है तो किसान को ये फैसिलिटी क्यों ना मिले कि उसके पास भी खरीदने के लिए 10 लोग आए। वहां पे आपको ऑब्जेक्शन है। टोटली एंटी किसान प्रोटेस्ट है ये। मैं आपको बताऊं, किसान को फैसिलिटी दी जा रही है कि दूसरे स्टेट का भी आदमी बायर उसके पास आए, लोकल भी आए, जैसे चाहे, जिसमें उसको ज्यादा फायदा हो, हरासमेंट कम हो, वो जा करके अपनी उपज को बेचे। इसका एक सबसे बड़ा फायदा और होगा, जब बिचौलिए, लेवी और टैक्सेशन खत्म होगा तो जो विषमता होती है कि जब फसल पैदा होती है, जैसे टमाटर के सीजन में टमाटर 1 रुपए किलो, किसान उसमें भी परेशान, और जब टमाटर का सीजन नहीं होता है तो टमाटर 100 रुपए किलो, वो भी स्टेबल होगा। जो दोनों तरफ से किसानों को मार पड़ती है, वो प्राइस एक ऐसे लेवल पे जाके स्टेबल होगा या किसान को बेनिफिट और कंज्यूमर दोनों को बेनिफिट, उनके ऊपर से जो बोझ है वो कम होगा। क्योंकि बीच में बिचौलिए जो स्टोर करके रखे रहते हैं और सीजन के टाइम पे स्टोर कर लेते हैं, जब सीजन नहीं है तब माल निकालते हैं। इन सब चीजों पे तो कोई किसान नेता जो है बात नहीं कर रहा है। जो आंदोलन कर रहे हैं वो क्यों करेंगे बात? साहब आप मुझे बताइए ना, करिए इन मुद्दों पे बात। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात है तो मैं बोलता हूं कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए किसान यूनियन इस चीज के लिए धरना दे कि भाई ये किसान का 10 एकड़ की फसल थी, 5 एकड़ का पैसा क्यों मिल रहा है? आज तक कोई किसान नेता वाला नहीं गया कि साहब ये किसान की फसल जल गई तो इसको मुआवजा दिलवाओ। आज तक किसी किसान नेता ने आंदोलन किया, किसान के एक इंडिविजुअल किसान के मदद के लिए किया? नहीं जी, हमें पानी पिलाना है। ये किसान नेता ऐसे हैं कि इनको पानी पीना था तो आंसू निकलने लगे, पहले पानी बहाया अपने आंख से और 100 लोगों को बुलाया कि पानी लेकर के आओ, 100 और लोगों को डिस्टर्ब किया। यानी इनकी प्रेजेंस होना बड़ी जरूरी है साहब। इनको वीर चक्र से देश के हीरो अगर बने तो ये 4-6 कथित नेता ये हीरो बने रहे। बिल पे डिस्कस नहीं करेंगे जी, बस बिल वापस लो। अरे क्यों वापस लो? आप मुझे 2-4 रीजन बताइए ना वैलिड। मिश्रा जी, हमारे पास आखिरी के 10 मिनट रह गए हैं। अक्षांश, आप अपना विदिन 2-3 मिनट्स अपनी बात खत्म कीजिए प्लीज। जी मिश्रा जी, पहले तो मैं आपको इंडिविजुअल बात ये बता दूं, जैसे कि आपने बताया कि जहां आग लग गई हो, कभी इन मुद्दों पे लड़ाइयां आपने लड़ी कि नहीं लड़ी, लेकिन आपको बता दूं, जैसे अगर आपने बताया जितना भी आपने पूरी उठा करके जितनी बात, नहीं मैं व्यक्तिगत आपको नहीं बोल रहा था, मैं तथाकथित किसान नेताओं को बोल रहा था, व्यक्तिगत मैं आपको नहीं कर रहा था कि आपने लड़ी कि नहीं लड़ी। हम लोगों ने और हमारे संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उन सभी लोगों ने ये व्यक्तिगत तौर पर हम लोगों को निर्देशित किया था, और हम लोग अपने सभी जिला अध्यक्षों को व्यक्तिगत तौर पर निर्देशित करते हैं कि ऐसा नहीं है कि केवल संगठन आंदोलन फैलाओ, आंदोलन फैलाने के लिए निर्देशित किया गया ना। मैं एक हाशिए पे पड़े किसान की बात कर रहा हूँ कि अगर उसको घर में कोई दिक्कत आती है तब कोई किसान नेता नहीं दिखता है, एक अकेला किसान को अगर दिक्कत आ जाए गाँव में तो बात नहीं रखी जानी चाहिए। मिश्रा जी, इस लोकतंत्र में अपनी बात रखने का माध्यम क्या है मुझको आप बता दीजिए। मेरा प्रश्न है आपसे, आपने इतनी देर से बोला, नहीं हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये बोलते हैं लोकतंत्र में कि अपनी बात रखने का माध्यम हर छोटी बड़ी चीज के लिए आंदोलन करना है, पूरे देश को अनस्टेबल करना है, तो ये गलत माध्यम है। अपनी बात रखने का सबसे सरल, सटीक और कंस्ट्रक्टिव माध्यम है कि आप बैठ के बात करिए और लॉजिकल बात करिए, जो सही है उसको सही बोलिए, जो गलत है उसको मानिए कि ये गलत है, ये सही है। जब पंजाब पहले क्या वो सीधे दिल्ली चले आए क्या? अब आप यही तो विषय पे बातें नहीं करना चाह रहे, आपने पूरे हम तो बोल रहे हैं ना तेरा, लेकिन नहीं करना चाह रहे। नहीं भैया, आपने मथा कहा, मैं यही तो बोल रहा हूँ, किसान नेताओं ने अगर मथा होता तो दूध का दूध, पानी का पानी, मट्ठा और दही सब अलग हो गया होता। किसान नेताओं ने तो 3 बार अपना स्टेटमेंट बदल दिया जी, ये सफेद कानून है, एमएसपी लागू करो, हमें लिख के गारंटी दो। उनको पता ही नहीं है कि एमएसपी कितनी टेक्निकल चीज है, हर 3 महीने पे बदलने वाली चीज के लिए एक बार में कैसे लिख दिया जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, काला कानून है, 14 बार मीटिंग होने के बाद भी बोल रहे हैं अब तो जी पूरा कानून ही वापस लो। ये कोई बात होती है क्या? पहले बोले पहले किसान नेता ने बोला संशोधन करो, फिर बोलते हैं जी ये पूरा कानून ही काला है, वापस करो, संशोधन से वापसी पे आ गए। अब क्या बोल रहे हैं कि अब हमारी बातें नहीं मानोगे तो हम तुम्हारी सरकार गिराएंगे, हम तुम्हारे सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। तो ऐसा थोड़ी होता है, ये कोई इफेक्टिव कम्युनिकेशन, डायलॉग डिलीवरी या कम्युनिकेशन का ये इफेक्टिव तरीका हठ धर्मिता नहीं होती है सर। सीधे पूरा उठा के ये बोल दें कि किसान नेताओं के द्वारा जीवन की सबसे बड़ी गलती जो वहां पे आंदोलन की, आपके पूरी बात का सार केवल यही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, हम कुछ नहीं बोलते हैं कौन गलत है कौन सही है, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है जो बिल को पढ़ के, जो देखिए मैं मार्केट का आदमी हूँ, मार्केट डायनामिक्स को मैं समझता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ किसान नेताओं ने क्या किया? जब 2 रुपए किलो जब टमाटर बिकता है तो क्यों नहीं 50 रुपए किलो में ये बोलिए ना, टिकैत साहब को खरीद के रख ले, अपने घर पे मदद करें। क्या मैकेनिज्म है? 2 रुपए किलो में जब टमाटर सड़कों पे फेंका जाता है तब आप लोग उपाय क्यों नहीं बताते हो? बताइए क्या उपाय है इसका। मिश्रा जी ठहरिए। अक्षांश, मिश्रा जी ने एक सवाल उठाया है कि जब 2 रुपए किलो का टमाटर होता है तब किसान नेता आगे नहीं आते हैं कि इस किसान को न्याय मिलना चाहिए, इसकी उपज का इसको खरीद कम मिल रही है, तो उस वक्त किसान नेता आगे क्यों नहीं आते? तब क्या वो किसानों का सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न। अक्षांश, आपकी आवाज नहीं आ रही अभी। अक्षांश, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं आपको इस बात का उत्तर देता हूं कि अभी करंट में, बिल्कुल अभी करंट की ही, जैसे कि वो टमाटर पर बात हो रही है, हम लोग समय समय पर हर बिंदु पर मतलब सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं। ऐसा नहीं है, बात सुनी जाए या नहीं सुनी जाए, बात सुनी जाए या नहीं सुनी जाए, हम आकर्षित करते हैं ध्यान। अभी करंट में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बड़ी मतलब व्यवस्थाएं अलग थी, लेकिन इतना अच्छा इस बार बुंदेलखंड के अधिकारियों का एडमिनिस्ट्रेशन रहा कि खरीद में काफी ज्यादा सहयोग करने का उन लोग के द्वारा कार्य किया गया। जो काम सही था उसको सही कहा जाएगा, उसको गलत कैसे कहा जा सकता है? लेकिन मेरी कई जिलाधिकारियों से बात हुई, कहीं अव्यवस्था हुई, तो उन्होंने कहा भाई साहब हमारा उद्देश्य ये है कि हम किसानों की ज्यादा से ज्यादा खरीद कर लें। मानते हैं कि कई जगह व्यवस्था है, तो फिर हम लोगों ने सभी से कहा कि थोड़ा व्यवस्था जरूर, लेकिन सब लोग मिलकर कोऑपरेट करें चलिए कोई जगह पेयजल की व्यवस्था नहीं थी, कहीं इनका छोड़ा जाए छोटे छोटे बिंदु, उस पर दिमाग ना लगाया जाए। जब सभी जिलाधिकारियों का ये कहना है कि भाई साहब सहयोग इस चीज पर हो कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग इन छोटे छोटे बिंदुओं पे लड़ाई ना लड़ करके ये किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा खरीद हो जाए। तो फिर मैंने कहा कि डीएम साहब एक समस्या आ रही कि अभी जिले की जो खरीद है वो 70% 80% हुई और 15 तारीख के बाद खरीद खत्म हो जाएगी। तो कहा भाई साहब वो तो हम लोग मजबूर है क्योंकि प्रदेश सरकार की जो गाइडलाइन उसी के अंतर्गत किया जाएगा। 15 तारीख के बाद फिर हम लोगों ने जैसे कि इन्होंने कहा कि संगठन को सही दिशा पे भी कहा, जो 2 रुपए टमाटर वाली बात है, खरीद थी 7 दिन की खरीद पूरे यूपी में बढ़वा देने का काम संगठन के द्वारा ही किया गया। फूड कमिश्नर साहब के द्वारा, प्रमुख सचिव महोदय के द्वारा जब चर्चा की गई, उनसे निवेदन किया गया कि आपके द्वारा अगर 7 दिन का कुछ समय और किसान भाइयों को दे दिया जाएगा तो उससे तो हमारे आखिरी पंक्ति में बहुत से ऐसे लोग थे जो नहीं बेच पा रहे थे भीड़ के कारण, अगर ऐसा टाइम बढ़ जाएगा तो उन लोगों को भी लाभ पहुंचने का काम हो जाएगा। तो मैं मंच के माध्यम से फिर से उत्तर प्रदेश सरकार का इस बिंदु पर भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि 7 दिन उन्होंने ये तो डेट बढ़ा दी है, उस 7 दिन से उन किसानों को भी लाभ मिल गया जो किसान बेचना चाह रहे थे और बेच नहीं पा रहे थे। उसी प्रकार से उन लोगों को इस चीज का लाभ मिला। ये संगठन के लोगों ने चर्चा की और किसान भाई को मदद। अक्षांश, आप पहले शख्स हैं जिन्होंने इस बात के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का धन्यवाद कहा है, जबकि हम थोड़ी देर पहले ही अभी राकेश टिकैत जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी अगली, उसपे वो क्लियर कट यही कह रहे थे जब उनसे पूछा गया कि आपकी अगली कार्रवाई क्या होगी, तो उन्होंने दो चीजें बोली थी। पहले ये कि बंगाल में हम इनको दिखाया है, अब अगले साल उत्तर प्रदेश चुनाव है, उस पर हम सरकार को दिखा देंगे। हम ये नहीं कह रहे कि इसको चुनो या उसको चुनो, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो किसानों के साथ नहीं है उसको वोट मत दो, ठीक है। तो लेकिन आपने कहा कि कम से कम राज्य सरकार ने किसानों का इस मुद्दे पर ध्यान दिया और उनके लिए डेट बढ़ाई ताकि जो अभी तक अपनी फसल नहीं बेच पाए हैं वो बेच सके। मेरे पास आखिरी के 8 मिनट है, सिर्फ एक एक मिनट सबके पास रहेगा। मेरा एक अहम सवाल है, उसके बाद हम कंक्लूजन रिमार्क लेंगे। अक्षांश, आपसे ही शुरू करती हूँ जी। एक बात बोलना चाहता हूँ, एक लास्ट बात, फिर आपका टाइम। एक लास्ट बात मेरी अधूरी रह गई थी, फिर से उस चीज पर चूंकि बाद में टिप्पणी होने लगेगी, इसलिए लास्ट बात पूरी करना चाहता हूँ जी। बोलिए। मैं किसी दल की राजनीति पर भरोसा नहीं करता, किसी संगठन की राजनीति पर भरोसा नहीं करता, किसी नीतियों पर भरोसा नहीं करता। मैं केवल उन नीतियों पर भरोसा करता हूं जिन नीतियों के एवज में कमरे में बैठ करके लाभ नहीं देंगे हम, जिन नीतियों के एवज में जमीन में किसान भाइयों को सीधा लाभ पहुंचा है। आज छोटा सा मैंने 7 दिन का लाभ हुआ है, उससे आज मेरे पूरे यूपी का किसान भाई खुशहाल होगा, सभी लोग खरीद कर अपनी बेच पाएंगे। और जो सही हुआ तो उसको लीगलाइजेड बात को कोई भारतीय जनता पार्टी से पूछाई थोड़ी है। योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छा काम किया, उस चीज का उनका धन्यवाद करता हूँ जो 7 दिन उन्होंने बढ़ा दिया। आज जो पंक्ति में आखिरी खड़ा व्यक्ति था, इस चीज से उस पंक्ति के आखिरी खड़े हुए व्यक्ति को भी लाभ पहुंचाने का काम हुआ है, ये बात मैं बताना चाह रहा था। कि मैं केवल वहाँ पेपर में ये किसी पार्टी के प्रवक्ता की खींचतान नहीं कि भाजपा सरकार ने या केंद्र सरकार ने अच्छा कर दिया, मैं उसकी पूरी किताब लेकर के आ जाऊँ बताने लगूँ ये अच्छा हो गया ये अच्छा नहीं, अच्छा जो हुआ है उसी को अच्छा बोला जाएगा। ये मैं आपके माध्यम से निवेदन। बिल्कुल आपने सही कहा अक्षांश, क्योंकि देखिए किसान बड़ी मेहनत से उपज पैदा करता है और उसकी उपज का उसको फायदा मिलना चाहिए, उसकी खरीद होनी चाहिए, क्योंकि चाहे आंधी हो तूफान है। अगर हम एक नॉर्मल इंसान के रूप में देखें, हमारे पास जो अपना कैश होता है, ज्वेलरी होती है, हमारे पास बैंक के लॉकर होते हैं, घर में और सारी ऑप्शन होती है, लेकिन किसान का खजाना यही है जो उसका खेतों में खुला पड़ा रहता है, उसके खलिहानों में रहता है। चाहे आंधी आए तूफान आए, हम सब कुछ प्रोटेक्ट कर सकते हैं लेकिन अपने किसानी को, अपनी खेती को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। मेरा आखिरी एक सवाल है और मेरे पास सिर्फ 5 मिनट हैं। सौरभ ने, अक्षांश मैं आपसे ही पूछूंगी, सौरभ ने एक सवाल उठाया था कि जब इतना बड़ा किसान आंदोलन देश हित के लिए, किसानों के लिए चल रहा है, उसमें जो अराजक तत्व आ गए, असामाजिक तत्व आ गए, तो उस तरह के उनसे बचने का, जैसे एक महिला के साथ गैंगरेप हुआ, एक और के साथ हुआ, कल एक आदमी को जिंदा जला दिया गया और उसकी जब वीडियो वायरल हुई जिसमें वो कह रहा है कि मुझे कहा गया किसानों के नाम पे तुम शहीद हो जाओ, तो क्या इसकी जिम्मेदारी किसान आंदोलन के इन नेताओं की नहीं है? वो इस चीज को क्यों नहीं ध्यान दे पा रहे हैं जी? बिल्कुल 1 मिनट में समाप्त कीजिएगा सर। मैं आपको एक लाइन का उत्तर देता हूँ। जैसे कि पहली बात, सर्वप्रथम सौरभ जी ने ये बात बोली थी कि वहां पर सीए और एनआरसी पर आंदोलन पर कुछ लोगों ने तख्ती लगा करके समर्थन करने का काम किया या तो तत्काल प्रभाव से जो वहां पर आंदोलन को चला रहा संयुक्त किसान मोर्चा, तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि तख्ती लगाई गई थी, एनआरसी और सीए का सपोर्ट किया गया क्योंकि भीड़ काफी थी। जैसे ही इस चीज की भनक संयुक्त किसान मोर्चे को लगी, तो लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया गया संगठन के लोगों के ही द्वारा, और उन लोगों को जो दूसरे दिन आए तो उन लोगों को पकड़वा करके पुलिस के पास पहुंचवाने का काम भी मोर्चे ने किया था। और उन लोगों को कहा था कि अगर आप नहीं मानते हैं तो सरकार के द्वारा, आपके द्वारा मतलब प्रशासन के द्वारा इसमें विधिक कार्रवाई भी करवाई जाएगी, प्रशासनिक कार्रवाई भी कराई जाएगी। फिर उसके बाद जो जो चीजें लगातार जो घटनाक्रम हुआ, मैंने पहली बार कहा कि जो गलतियां हैं उसको ऐसा नहीं है कि उसको कह दिया जाए कि किसान आंदोलन में तो जो हो गया सब सही हो गया, जो गलत है उसको 100% गलत कहा जाएगा और उसका पुरजोर विरोध करते हैं। वो 24 कैरेट खरी बात यह है कि जो गलत है उसको बिल्कुल गलत कहा जाएगा। दूसरी बात, अन्य जो भी चीजें होती जाती है या चीजें गलत तरीके से, मैंने आपको कई चीजें ये भी बताया कि बहुत सी चीजें जांच का विषय है। आप किसी भी चीज पर केवल कुछ टिप्पणी ले लेकर के, मैंने कहा कि अगर गलत है तो उस पर सीधे पुरजोर विरोध करके उस पर सीधी कार्रवाई करने का काम किया जाना चाहिए। लेकिन मैंने सर्वप्रथम अपनी बात को प्रारंभ करने से पहले यही बात कहा था कि बहुत सी ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिसके कारण इस आंदोलन को पूर्णतः बदनाम कर दिया जाए, इस आंदोलन की जो धुरी है वो दूसरी तरफ रख दी जाए, इसके लिए भी बहुत से काम। और मैं आपको फिर से पहली बात, चूंकि कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरे शब्द को पकड़ा जाए, तो मैं कहना चाहता हूँ इस चीज को कि यदि अगर किसी के द्वारा अगर थोड़ा सा भी अमर्यादित, असामाजिक या नॉन सोशलिस्ट वर्क हो रहा है तो उसको, उसके खिलाफ सीधी कार्रवाई होनी चाहिए। और उस चीज की हम लोग कड़े शब्दों में भर्त्सना करते, निंदा करते, विरोध करते, और उन गलत कार्य करने वाले जैसे लोग वो आंदोलनकारी हो ही नहीं सकते, वो गलत कार्य करने वाले लोग हमारे बीच के हो ही नहीं सकते। और उन सभी लोगों के खिलाफ हम भर्त्सना करते हैं और उनका सीधा पुरजोर विरोध करते हैं। बिल्कुल, शायद यही वजह रही कि इस तरह के आंदोलनकारी जो सही मायने के जो आंदोलनकारी उनके बीच आ गए थे, तो प्रधानमंत्री ने उन्हें परजीवी कहा था। मिश्रा जी, मैं आपकी तरफ आती हूँ। एक ही मिनट में आप ये बताइए कि अब क्या होगा, सरकार को और किसानों को एक मंच पर आने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? जी बिल्कुल, विद इन 1 मिनट। मिश्रा जी, आपको आवाज आ रही है? आपसे सवाल किया था मैंने। हाँ, ठीक है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट जरा होल्ड करिएगा, मैं उसको थोड़ा सा करेक्ट कर दूँ। सौरभ, मैं आपकी तरफ आती हूँ यही सवाल लेकर। 1 मिनट में बताइए कि सरकार और किसान एक मंच पर कैसे आ सकते हैं? हाँ देखिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, होगा क्या, कुछ नहीं होने वाला है, ये पॉलिटिकल माइलेज है। एक होता है ना जैसे सेल्फ डेथ किसी आंदोलन का, ये कर रहे हैं। सरकार ने 13-14 राउंड बात की और पर्सनली सब कुछ पढ़ने के बाद और सारे कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक्स, एग्री इकोनॉमिक्स, भारतीय एग्रीकल्चर के जो चैलेंजेस हैं, मैं एक छोटी सी बात बोलता हूँ। हमेशा से ये बात उठती रही है कि एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया जाए, तो सरकार ने क्या किया, एटलीस्ट एग्रीकल्चर को भी इंडस्ट्री के बराबर ही तो ला रही है। उसने तो दरवाजे खोले हैं कि इंडस्ट्री जो है यहाँ पर इंटरैक्ट करे, जो इंडस्ट्री की जो फैसिलिटीज है, टेक्नोलॉजी है, जो अभी तक किसानों तक नहीं पहुंच पा रही थी, उसी चीज को तो सरकार ने ओपन किया है कि ये दिस इज मियरली द इंटरैक्शन ऑफ मार्केट एज वेल एज इंडस्ट्री, टूल्स एंड टेक्निक्स और टैलेंट। किसानों के लिए ये चीज आ रही है, एक्सेस दिया जा रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में, ताकि सुधार आए। तो इसमें क्या ऑब्जेक्शन है? ठीक है, अगर इम्प्लीमेंट हो रहा है, 6 महीने के बाद कोई कमी आती है तो उसको और इम्प्रूव किया जा सकता है, इम्प्रूवमेंट तो हमेशा चांसेस है। लेकिन पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए देश के विकास में हर जगह टांग अड़ाना कि नहीं जी हमारी बात मानो नहीं तो हम तुम्हारी सरकार। महेंद्र टिकैत क्या बोल रहे थे कि अगर हमारी बात नहीं मानोगे, बिल वापस नहीं लोगे तो हम देखेंगे तुम्हारी सरकार कैसे बनेगी, हम चुनावों में तुम्हें जवाब देंगे। अरे जब चुनाव में ही जवाब देना था तो अभी से क्यों मर रहे हो सड़क पे, क्यों दुनिया को डिस्टर्ब कर रहे हो? चुनाव में कर लेते हैं इंसान, चुनाव के 1 महीने पहले एक्टिव होते हैं, तुम 2 साल पहले से एक्टिव हुए पड़े हो। कोई आइडियोलॉजी नहीं है इन लोगों की, मैं आपको बताऊं, कोई सॉलिड नॉलेज नहीं है, ना इनको एग्रीकल्चर का भी नॉलेज नहीं। मैंने बोला सारे किसान नेताओं से, आंदोलनकारियों से पूछ दीजिए कि जब तक टमाटर 2 रुपए किलो बिकता है तो 2-4 मैकेनिज्म हमें बता दे कि कैसे, हमारे पास तो कैसे वो 20 रुपए किलो बचे। नेता मान लूंगा। जी जी, मैं सौरभ, मैं आपकी तरफ आती हूँ। 1 मिनट में बताइए, किसान और सरकार एक मंच पर कैसे आएंगे? देखिए, मैं बताऊँ आपको तो यहाँ सांप और छछूंदर वाली बात है। तो एक कहावत आपने सुनी होगी कि छछूंदर को निगल ले तो मर जाएगा और खा ले तो मर जाएगा। तो यहाँ दोनों का एक राजनीतिक शक्ति का प्रयोग चल रहा है, वो सरकार की शक्ति का प्रयोग हो या आंदोलनकारियों की शक्ति का प्रयोग हो। विपक्ष पूरी तरह से आंदोलनकारियों की तरफ से लामबंद है। आंदोलनकारी भी वामपंथ से प्रायोजित हैं पूरी तरह से, और ये पूरी तरह से एक शक्ति का प्रदर्शन है, क्योंकि मोदी जैसी जो एक ताकत है उस ताकत को बताने का प्रयास है। क्योंकि जो वामपंथ लगातार हाशिए पर आया है, वो वामपंथ जिनका इस्लामिक राष्ट्र जो एक सिद्धांत है आतंक का और हिंदुत्व के विरोध में, ये वैचारिक लड़ाई है। किसान तो वहां पर सिर्फ एक मुखौटा है पूरी तरह से, नहीं तो समस्याएं तो किसान की लगातार बनी रही हैं और आगे भी रहेंगी, हमेशा रहेंगी। उनको मतलब एक स्तर बाय स्तर ही हल किया जा सकता है, सरकार हो, समाज हो या कोई संगठन हो। लेकिन यहाँ पर सीधी सीधी बात है, यहाँ पर झुंझुनर वाली पूरी तरह से बात है, ये लोग कभी एक मंच पर नहीं आएंगे। अंततः आप 2022 का चुनाव देखेंगी, जब 2022 का चुनाव आएगा तब तक चुनाव ये चलता रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश केंद्र की राजनीति के लिए एक बड़ी प्रयोगशाला है। पश्चिम बंगाल में इन्होंने पूरी ताकत लगाई, पश्चिम बंगाल में इनको दिखा भी, बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई, उनको 73 सीट मिली, 373 तक वो पहुंचे। वो सोचते हैं हम अपनी जगह पर काबिज है, ममता बनर्जी को लगता है हम अपनी जगह पर काबिज है, लेकिन टारगेट ये है कि 2024 में मोदी को कैसे हटाएं, तो ये टारगेट है। उस टारगेट को लेकर के 2022 तक, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही ज्यादा प्रभावकारी है, तो हर तरह का एक राजनीतिक प्रयोग है। और उसका राजनीतिक प्रयोग आपको 26 जनवरी के दिन दिख गया था, जब गणतंत्र के दिन ऐसी घटना हुई, और ये प्रायोजित था, पहले से प्रायोजित था। जब हमारा गणतंत्र का दिन कलंकित हो गया इसी किसान आंदोलन की वजह से, और ये लगातार चल रहा है, बिना पैसे के तो चल ही नहीं सकता, फंडिंग हुई है। नहीं तो हमारे आप जैसे अक्षांत जी जैसे लोग क्यों नहीं, क्या कहते, बड़े आंदोलनकारी हो जाते हैं, क्यों नहीं सैकड़ों लोग, हजारों लोग खड़े हो जाते हैं। वो एक अलग बात है, दिल्ली में खड़े हैं, ये शामिल रहेंगे, एक अलग मुद्दा। मुझे नहीं लगता कभी ये लोग एक मंच पर आएंगे। ये चुनावी प्रयोग है, ये होगा, होता रहेगा 2022 और 2024 तक, 2022 तक निश्चित तौर पर होगा। जी अक्षांश, मैं आपकी तरफ आती हूँ। मेरा यही सवाल है कि सरकार और किसान एक मंच पर कब और कैसे आ सकते हैं? जी विदिन अ मिनट सम अप कीजिए प्लीज। सरकार जब जब बुलाई है किसानों को, तब तब सरकार के पास किसान नेता पहुंचे हैं। जब जब उन्होंने अपनी बात रखने के लिए, आज फिर बुलाएंगे फिर जाया जाएगा, जितनी बार बुलाएंगे तितनी बार जाया जाएगा। यहाँ पूरा समस्या सबसे बड़ी यही है कि यहाँ पर जो अपने विषय की बात करेगा उस विषय की बात ही नहीं की जा रही। वामपंथी, हिंदू, अरे भैया हम लोग खुद पंडित हैं, हम लोग खुद हिंदू हैं, हमसे बड़ा, हम भगवान राम की तपोभूमि से आते हैं, चित्रकूट की रोज परिक्रमा लगाते हैं। व्यक्तिगत आपकी बात नहीं है, व्यक्तिगत आपकी बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एक राजनीतिक विचारधारा, विचार, राजनीति, सरकार, पक्ष विपक्ष, सब राजनीतिक विचारधारा के आधार पर चलते हैं। पर ही बता रहा हूं कि जब तक मैंने छोटी सी बात की कि किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन पर, तंत्र पर जब आप काम करते हैं, जैसे आप गांव पर काम करते हैं, तो हर आखिरी विषय पर आपके मुंह में गांव आएगा, और आप 100% चाहेंगे कि गांव के विषय पर, विकास पर क्या मैं कदम उठाऊं, और उसके लिए मतलब हवा में बात करने की बात नहीं होगी, लेकिन जमीन में चूंकि आप काम करते हैं तो जमीन के काम पर बात होगी। उसी प्रकार से जब हम लोग किसान संगठन पे काम करते हैं तो हमारी जबान में हर आखिरी बात के बाद केवल किसान की बात आएगी, और हम किसानों के लिए ही काम करने की बात करेंगे। लेकिन हम जिस दिशा में, हम लास्ट में, जैसे कि आपका ये लंबी बात खिंच जाएगी, उस बात का अर्थ नहीं है। मैं सीधी बात का उत्तर, मनु जी ने जो कहा कि क्या आप किसान नेता और सरकार आमने सामने बैठ करके इस विषय में बात करेगी कि नहीं, आज भी फिर आपके माध्यम से सरकार तक फिर बात पहुंचाना चाहूंगा कि जैसे कि उन्होंने कहा था कि एक कॉल की दूरी पर है, हम उनकी कॉल का इंतजार कर रहे हैं। जिस पर जितनी बार बुलाया गया तितनी बार गया गया है, फिर बुलाएंगे फिर जाएंगे, एक नहीं 22 बार बुलाएंगे, 22 बार जाएंगे, लेकिन जब बात बिल रद्द करने की है तो रद्द नहीं हो सकता ना। बिल कैसे रद्द होगा? बार में बारे, चाहे 20 बार में माने, चाहे इसको ये कह दे कि अक्षांश आप ये बताइए, आप ये मान के चल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम जाएंगे, ठीक है आप जाइए, लेकिन जब जाएंगे आपका एक स्टैंड रहेगा कि बिल रद्द कर दीजिए, सरकार का ये स्टैंड है रद्द नहीं करेंगे। तो हम ये नहीं जानना चाह रहे कि आप 50 बार जाएं, 20 बार जाएं, हम जाएं कि एक मिडल रास्ता क्या निकलेगा, कहाँ कॉम्प्रोमाइज की स्थिति आएगी? अगर एक्चुअल पर बात करना चाहते हैं तो 100% एक्चुअल बात मैं आपको 2 लाइन में उसका उत्तर दे दूं। एक्चुअल बात यह है, एक बार एक गांव में एक आदमी का 5 रुपए चोरी हो गया था, तो पूरे गांव में चिल्लाया कि भाई मेरे 50 रुपए चोरी हो गए, 50 रुपए चोरी हो गए। आखिरी में जो चोर था कहा भैया मेरे तो 5 ही रुपए चोरी हुए हैं, मैंने चुराया है, तुम जबरदस्ती 50 रुपए की बात कर रहे हो। तो हम 5 रुपए है अपने ढूंढ रहे हैं मनोज जी, जिस दिन 5 रुपए मिल जाएंगे पूरी बात खत्म हो जाएगी। चलिए बहुत शुक्रिया सौरभ, अक्षांत साहब का, मिश्रा जी का शायद नेट पहले ही चला गया है। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया आज का प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए और बड़ा दिल खोल कर हर मुद्दों पर बात करने के लिए कि किसान आंदोलन की आगे की रणनीति क्या होगी और क्या हो चुका है, किसकी जिम्मेदारी थी, उन सब पर भी हमने बात की। कहाँ गलतियां रही, कहाँ खामियां रही, कहाँ अच्छा काम किया सरकार ने, उस पर भी हमने आज के प्रोग्राम में बातचीत की। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत धन्यवाद आप सर, बहुत सौरभ जी धन्यवाद, मधु जी बहुत धन्यवाद, थैंक यू। वर्ल्ड 360 विद मनु में ये थे हमारे साथ ए के मिश्रा जी, अक्षांत सुलेरे और सौरभ द्विवेदी जी। जो आज का हमारा विषय था किसान आंदोलन अगला कदम, इस पर हमने बड़ी बेबाकी से हमारे मेहमानों ने आप लोगों से साझा किया कि क्या एक्चुअल स्थिति है, क्या स्ट्रेटेजी बन सकती है। आप इस प्रोग्राम के माध्यम से बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में किसानों की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। तो आज के वर्ल्ड 360 विद मनु में इतना ही। जल्द मुलाकात करते हैं नए सब्जेक्ट और नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हमारे साथ। टेक केयर, गुड नाइट।